हेलो बच्चों, अभी तक हमने कर लिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। हमें पता है कि अगर डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आए, मतलब एक एटम दूसरे एटम से कनेक्शन में डिफरेंस आ रहा है दो स्ट्रक्चर में, देन दैट विल बी नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जाने से पहले हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि 3D रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। आप जब भी किताबों में देखेंगे आपको अलग अलग तरह से 3D रिप्रेजेंट किया जाता है कार्बन, वो कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यही रखते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। अगले क्लास से हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ sp3 कार्बन। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ sp3 कार्बन। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, sp3 कार्बन के बारे में। तो sp3 कार्बन के लिए हमें दो तीन चीजें क्लियरली पता है, इनका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और आइडियल बॉन्ड एंगल। ये हमें ऑलरेडी पता है, कोई भी sp3 कार्बन रहे या sp3 एटम रहे उसका जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और बॉन्ड एंगल क्या होगा, दो बॉन्ड दो ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है बॉन्ड के बीच में एंगल क्या बनता है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109°28। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग, राइट। अब वही sp3 कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा वो है वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश फॉर्मूला का मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे मैंने अभी आपको क्या बताया है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो एक ये हो गया करेक्ट, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब आप खुद से सोचें, इसको थोड़ा सा स्टेप से बना लेते हैं, बाहर निकला हुआ, इसको थोड़ा सा अंदर गया हुआ। अब आप खुद से सोचें कि किसी भी तीन एटम को मिलाकर या तीन ग्रुप को मिलाकर आप एक प्लेन डिफाइन कर पाते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इस एटम को, ये कार्बन को, इस एटम को मिला के एक प्लेन डिफाइन करें, कौन सा प्लेन होगा, ये वाला, करेक्ट। ये आपका sp3 कार्बन हो गया, ये ए बी सी डी चार अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, मैंने प्लेन किसका बनाया है, कार्बन डी और सी से मिला, करेक्ट। तो जब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर के, इस प्लेन के हिसाब से अगर देखेंगे तो बी आपको बाहर के साइड दिख रहा है, ए अंदर के साइड दिख रहा है, क्योंकि ये है कैसा, टेट्राहेड्रल, करेक्ट। तो आप क्या करते हैं, सी और इस कार्बन और इस डी को एक प्लेन मान लेते हैं। तो बी आपको दिख रहा है बाहर आता हुआ, ए दिख रहा है आपको अंदर जाता हुआ, राइट। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग वेज डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाहर आ रहा है ग्रुप और एटम
उसको हम वेज से डिफाइन करते हैं। वेज क्या होगा? कुछ इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं वेज बॉन्ड। और जो अंदर की तरफ जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं डैश बॉन्ड। दिस इज योर डैश बॉन्ड। तो आप देखिए किसी भी sp3 कार्बन को, जैसे यहां पर है हमारा, किसी भी sp3 कार्बन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लीजिए ये कार्बन है, यही sp3 कार्बन है, ठीक है। तो किसी भी दो ग्रुप को आपने एक प्लेन पे मान लिया, ठीक है। यहां पर किसी किसे माना था हमने? C को मान लिया था, D को मान लिया था, करेक्ट। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 109 डिग्री, 28 मिनट। अब आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं बी बाहर आया हुआ है प्लेन के, तो बी को प्लेन के बाहर बना लेंगे भाई, ए प्लेन के अंदर गया हुआ है, तो ये प्लेन के अंदर बना लेंगे, डैश बॉन्ड पे बना लेंगे। तो ये क्या है? डैश बॉन्ड। डैश बॉन्ड का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स दैट ग्रुप इज प्रेजेंट बिलो या बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर आपके लिए, मेरे लिए बोर्ड। तो जैसे आप देख रहे हैं सी ये कार्बन और ये डी, ये सब क्या है? एक प्लेन पे लाई कर रहा है। कौन सा प्लेन हो गया? जिसपे बोर्ड है, बोर्ड के प्लेन पे ये सी ये कार्बन ये डी लाई कर रहा है, ये sp3 कार्बन है। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 109 डिग्री, 28 मिनट। That means आपको क्या करना पड़ेगा? थ्री डायमेंशनल फिगर बनाना पड़ेगा। थ्री डायमेंशनल फिगर में आप जब भी बनाएंगे तो क्या आएगा? एक बॉन्ड को आपको बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, प्लेन जो है उसके बाहर की तरफ। दूसरे बॉन्ड को आपको प्लेन के अंदर ले जाना पड़ेगा, जो प्लेन आपको दिख रहा है जिसमें सी ये कार्बन ये डी है, उसके अंदर की तरफ, आपसे दूर, मेरे से दूर, ठीक है। तो जो दूर जा रहा है उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दूर जा रहा है, बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज योर वेज बॉन्ड। इट रिप्रेजेंट्स दैट ग्रुप वेज is present in the front of plane of paper। मतलब ये बाहर आ रहा है, फ्रंट में बाहर आ रहा है, राइट। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेज बॉन्ड से। वेज बॉन्ड क्या होता है? सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये डैश आपको दिख रहा है, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डैश बॉन्ड हो गया। अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जो डैश बॉन्ड होगा उसका जो एटम होगा वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जाएगा। जैसे इस केस में मैं या आप यहां पर ऑब्जर्वर है, हम देखें सी सी और डी, सी है ये कार्बन है ये डी है, इसका एक प्लेन बनाया, अब हमसे अवे जा रहा है, कौन जा रहा है? ए, क्योंकि ये पीछे है प्लेन के। तो डैश बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। वेज बॉन्ड क्या और क्या करता है रिप्रेजेंट? जो मेरे पास आ रहा है, राइट, जो मेरे करीब आ रहा है। तो ये क्या हो गया? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
तो मेरे हिसाब से वेज डैश फॉर्मूला का मतलब क्लियर है, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। जो आपको सिंपल लाइन से दिख रहा है उसको आप क्या मानेंगे, प्लेन ऑफ पेपर पे, ठीक है। जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है जिसको हम वेज बॉन्ड बोल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, आपके तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स यू, राइट। जो डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, इनसाइड द बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो वेज डैश फॉर्मूला का मतलब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इस चीज में, नोट कर लेंगे एक बार। तो सबसे पहला जो हमने देखा वो था वेज डैश फॉर्मूला, और इस वेज डैश फॉर्मूले में हमने क्या देखा, जो रैंडम एग्जांपल लिया कोई भी ले लेते हैं, सी था, डी था, ये कौन सा पॉइंट है, वेज, कहां पर आ रहा है, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बाहर की तरफ। मान लेते हैं इसमें बी था, यहां पर ए था, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था हमने हमारे पास, राइट। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है हमारा वो आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसका बेस हम लोग यहीं पे लेते हैं, यहां से ही शुरू करते हैं। तो आप क्या करें, इस स्ट्रक्चर को यहां पे होल्ड करें, मान लीजिए आपने सी पे, सी तो प्लेन पे ऑफ पेपर पे था, डी प्लेन ऑफ पेपर पे था, यहां पर आपने इसको रोक दिया, इसको यहां पे बाइंड कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, बी को पकड़, बी कहां है, अवे फ्रॉम द प्लेन, तो बी तकरीबन तकरीबन यहां कहीं पर है, करेक्ट। इस बी को पकड़ के आपने क्या किया, इधर खींचा, खींचा, जब आप खींचेंगे तो आप क्या देखेंगे, बी ऐसे इधर आएगा, सी और डी अपने जगह पे ही रहेगा, यहां पे पाइवट करके आपको इसको खींचना है बी को, तो बी इधर आएगा, ए भी बाहर की तरफ आएगा। जब आप इसको खींचेंगे तो जो अंदर की तरफ है, ए क्या है, अंदर की तरफ है, वो भी घूम के बाहर की तरफ आएगा। अग्री कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आपने क्या किया है, इसको पकड़ कर रोटेट किया है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, सी और डी अपने जगह पे ही रहेंगे, ये एटम कभी यहां पर आएगा इस पोजीशन पे। तो जब आप बी को आगे खींच रहे हैं तो सी, ये जो कार्बन है ये इस प्लेन के थोड़ा आगे की तरफ रहेगा, आप खींच कर देख ले, दैट मीन्स सी एंड डी आर बिहाइंड द प्लेन या बिहाइंड दिस कार्बन, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में सी और डी पीछे हो गए, बी इधर आ गया अवे, अभी भी बाहर की तरफ है बी, और ए भी क्या हो गया, बाहर की तरफ आ गया। कोई कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन है, आप क्या करें, फिर से वही काम करें, इसको पाइवट करते हुए इसको एक लाइन मानते हुए जहां पे सी और डी फिक्स है, आप क्या करें, बी जो बाहर की तरफ है उसको पकड़ के खींचे। जब आप खींचेंगे तो आप क्या देखेंगे कि बी को घुमा के आप किस साइड ले आए, ए इधर का इधर ही रह गया, सी आपका बिलो द प्लेन हो गया, बिलो किसके, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ चला गया, और डी भी इस कार्बन के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ चला गया। तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में आप देखें तो सी पीछे की तरफ है, डी पीछे की तरफ है, डी आगे की तरफ है, ए आगे की तरफ है, करेक्ट। इस चीज को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह, सिंपल। ये आपको क्या है, sp3 कार्बन, जो यहां पर हम लोग ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पे ये कार्बन, इधर बी हो गया, जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है उसको आप सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आया है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये वेज डैश फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है। उस केस में जब आप चारों एटम को वेज या डैश बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डैश बॉन्ड को। डैश बॉन्ड मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इनसाइड द प्लेन। क्लियर? तो वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इनसाइड द प्लेन, दैट मींस अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आई बिलीव वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको क्लियर होगा। वर्टिकल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब बैठा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर? आउटसाइड द प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज क्लियर है? इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें कौन सा लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज क्लियर है? जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डैश बॉन्ड को। डैश बॉन्ड मतलब जो पीछे के साइड रहे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर रहे। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेज बॉन्ड को, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब इस चीज को थोड़ा और डिटेल में करते हैं, इंटरकन्वर्जन समझते हैं हम लोग। बच्चों अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वेज डैश फॉर्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए 90% केसेस में आपको जो चीजें याद रहेंगी आसानी से, जो चीजें आप बहुत यूज टू होंगे, वो फिशर प्रोजेक्शन होंगे। इसलिए इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। तो इंटर कन्वर्जन करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप ध्यान देंगे तो आपको मैं बता भी चुका हूं। ये प्लेन ऑफ पेपर था, ये सी, ये डी, ये बी बॉन्ड था, ये ए बॉन्ड था, बी वॉज वेज जो बाहर की तरफ आ रहा था, ए वॉज डैश जो अंदर की तरफ जा रहा था। ये बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे। क्लियर? तो स्टेप वन आप क्या करें, राइट द ग्रुप्स एटम्स दैट लाई ऑन प्लेन ऑफ पेपर इन वेज डैश। जो प्लेन ऑफ पेपर पे लाई कर रहे हैं वेज डैश में, और वर्टिकल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन। दैट मींस स्टेप वन आपको क्या करना है, जो भी ग्रुप या एटम है जो आपके प्लेन ऑफ पेपर पे लाई कर रहा है, प्लेन ऑफ पेपर पे कौन कौन से एटम लाई करते हैं जो आपको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ना वेज है ना डैश है, इसका मतलब वो क्या है, प्लेन ऑफ पेपर पे। तो उसको आप क्या करेंगे, सिंपल सा क्या काम करेंगे, वर्टिकल लाइन पे बना दें। चलिए वर्टिकल लाइन पे बना दें। इधर सी था, इधर डी था, और बीच में कहीं पर आपका कार्बन आएगा। एक ही तो कार्बन है, वो यहां कहीं पर आएगा,
अब सोचें, सी ऊपर है, ऊपर था, ऊपर दे दिया, डी ऊपर था, ये नीचे था, नीचे दे दिया। अब आप क्या कर रहे थे इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए? आप बी को पकड़ के घुमा रहे थे, सी और डी को फिक्स कर दिया था, बी को पकड़ के घुमा रहे थे, राइट? जब बी को पकड़ के घुमा रहे थे तो बी इस साइड आ गया और ए उधर ही साइड रह गया था, बट अवे फ्रॉम द प्लेन आ गया, अवे फ्रॉम द प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो आप सोचें, जब भी आप इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे आप क्या करेंगे? इसको घुमाएंगे तो बी लेफ्ट साइड आएगा, ए राइट साइड ही रह जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सी डी, ये बी, ये एच, ऐसा ही कुछ बनेगा, क्योंकि हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, सी और डी को पीछे की तरफ ले जाना है, पीछे की तरफ ले जाएंगे तभी तो आपका डैशबोर्ड पे आ पाएगा, जो वर्टिकल लाइन है वो डैशबोर्ड है, तभी तो आ पाएगा। तो आप सोचे, जो ये प्लेन पे बॉन्ड था उसके राइट साइड दोनों ए बी और डी बी, जो ये प्लेन था, प्लेन जो हमारा ये चेन बन रहा है, इस चेन के राइट साइड में था ए बी और बी बी। जब आपने कन्वर्ट किया तो कौन सा एटम या ग्रुप अपना साइड चेंज किया है, बी वाला किया या ए वाला किया? चेक करिए, बी वाला अपना साइड चेंज किया, ए वाला तो अपने साइड में जैसा का तैसा है। आप जब इसको घुमाएंगे, ए अभी भी राइट में था, बाद में भी राइट में, करेक्ट? तो स्टेप टू आपका यही होगा, जो डैश बॉन्ड पे है वो जिस साइड है प्लेन वाले चेन के, उसको उसी साइड पुट कर देंगे, वर्टिकल लाइन। दैट मींस ए को हम राइट साइड पुट कर देंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? तो स्टेप टू क्या है हमारा? पुट द एटम और ग्रुप ऑन डैश बॉन्ड। ध्यान रखेंगे साइड कौन नहीं चेंज कर रहा है, डैश बॉन्ड, तो हमेशा हमें किसके बारे में सोचना है? डैश बॉन्ड के बारे में। तो पुट द एटम और ग्रुप ऑन डैश बॉन्ड ऑन द साइड इन विच, ऑन द साइड का मतलब लेफ्ट या राइट से है, ऑन द साइड लेफ्ट या राइट, ऑन विच इट इज प्रेजेंट इन गिवन वेज डैश फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो भी प्लेन ऑफ पेपर पे था, सी कार्बन और डी, उसको आपने वर्टिकल लाइन पे बना दिया, स्टेप वन तो आसान है। स्टेप टू में क्या था? आपने ये देखा सी कार्बन और डी, सी कार्बन और डी, उस हिसाब से आपने बना दिया है। अब सी कार्बन और डी के राइट साइड में है ना ये बी बी और ए बी, तो राइट साइड में है, राइट साइड में डैश बॉन्ड आप चेक करें, डैश बॉन्ड पे ए है, तो वर्टिकल लाइन के राइट साइड में ही जो डैश बॉन्ड पे है वो पुट कर दें। तो ए मैंने पुट कर दिया। अब लास्ट स्टेप आपका क्या बचा? जाहिर सी बात है, जो बचा एटम वो लेफ्ट में आ गया, तो इधर भी आ जाएगा। ये इतना सिंपल सा तरीका है आपका, क्लियर है? तो इस स्ट्रक्चर को वेस्ट डैश में आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोचने का तरीका क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं, इसको और इसको वहीं पर रोक कर बी को पकड़ के घुमा रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर का ही रिप्रेजेंटेशन ये है। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो स्टेप थ्री क्या हो गया आपका? पुट द रिमेनिंग एटम या ग्रुप ऑन द वेकेंट साइड इन फिशर।
जो रिमेनिंग एटम बच गया, जैसे यहाँ पर बी बच गया था, बी हमने अभी तक पुट नहीं किया था, तो बी को हमने क्या किया, जो यहाँ पे वेकेंट साइड बच गया है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट वाला बच गया था, तो हमने उसको वहीं पे पुट कर दिया। आपका क्या इंटरकन्वर्जन हो गया, आपने वेज डैश फॉर्मूला से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया है। कोई कंफ्यूजन है? एक तो एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक तो एग्जाम्पल से और ज्यादा आसानी से क्लियर होगा आपको। पहले ये नोट करेंगे स्टेप वाइज। स्टेप वन क्या था, जो प्लेन ऑफ पेपर पे था उसको आपने डायरेक्टली प्लेन ऑफ पेपर वर्टिकल लाइन में पुट कर दिया। उसके बाद ईच साइड आप देखते गए राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। राइट साइड में है अगर, तो जो डैश बॉन्ड है, डैश बॉन्ड में जो एटम है वो उसी साइड पुट कर, क्लियर। बाकी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, जो बचा हुआ एटम या ग्रुप था उसको वेकेंट जगह पे रख दिया, क्लियर। चलिए मिटाते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हो, सीएल एच, सीएल एच, मान लीजिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, इसको ये वेज डैश है, आपको क्लियरली दिख रहा है, नॉर्मल जो बॉन्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर पे लाई कर रहा है, दैट मींस ये पूरा जो है ये प्लेन ऑफ पेपर पे लाई कर रहा है। इस कार्बन की बात करी जाए तो क्लोरीन आपके तरफ आ रखा है, हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रखा है, क्लियर। यहां पर इस एटम की बात करें अगर, तो क्लोरीन आपके तरफ आ रखा है, हाइड्रोजन भीतर की तरफ जा रखा है, क्लियर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। ये किसमें है, वेज डैश में। आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या था, जो भी आपका प्लेन ऑफ पेपर पे है उसको वर्टिकल लाइन पे उतार दें। चलिए उतारते हैं, ये कौन सा ग्रुप हो गया, CH3। तो सबसे ऊपर क्या आएगा, CH3। मैं इधर से लेकर चलता हूं, सबसे ऊपर कौन आ गया, CH3। अगला कार्बन यहां पर पहुंचे आप, यहां पर देखें इधर से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस कार्बन के राइट साइड आपको ग्रुप्स मिल रहे हैं वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड पे, राइट साइड ही मिल रहे हैं ना, मतलब आप इधर से देखें, इधर से देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, राइट साइड। तो Cl और H दोनों कहां पे प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। अब आप चेक करें तो राइट साइड में डैश बॉन्ड पे कौन प्रेजेंट है, डैश बॉन्ड ये है, कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो राइट साइड में ही हाइड्रोजन को पुट कर दें, क्लियर। बाकी जो रिमेनिंग बॉन्ड बचा वहां पे क्लोरीन आ गया, कोई लेकर नहीं। अब अगले कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे आते हैं, चलिए एक और कार्बन मिल गया आपको, यहां पे ये कार्बन है, आप बढ़ रहे थे इधर से, अब आप इधर से बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए इधर से बढ़ रहे हैं तो आपके राइट साइड में है या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहां से आप देख, यहां से आप आगे बढ़ रहे हैं, करेक्ट। मतलब आपने इसको खड़ा किया तो आपको Cl और H दोनों इस मेन चेन के लेफ्ट साइड में मिल रहे हैं। जब ये लेफ्ट साइड में मिल रहा है तो आप चेक करिए डैश बॉन्ड पे कौन है, H। किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में जो डैश बॉन्ड पे हो वैसा का वैसा पुट कर दिया। जो रिमेनिंग बचा उसको कहां पुट किया आपने, बचे हुए एटम पे, बचे हुए जगह पे, क्लियर। और बाकी आगे का ग्रुप में आपको रिप्रेजेंट करना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों हाइड्रोजन है, दोनों साइड हाइड्रोजन ही आएगा, क्लियर। तो यहां पे क्या लिख दें, C2H5। कोई कंफ्यूजन है किसी को, अगर आप इधर से देख रहे थे तो ये राइट साइड आ रहा था, ये लेफ्ट साइड आ रहा था,
उसके हिसाब से मैंने ये अरेंज कर दिया। अब कोई शातिर बच्चा बोलेगा नहीं सर हम इधर से देखें, हम बोलेंगे देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से देख लो, चलिए आपके हिसाब से काम कर लेते हैं। इधर से जब देखोगे तो पहला C2H5 आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे आए, करेक्ट। अब इधर से देख रहे हैं तो मेरे राइट साइड में आ रहा है ये दोनों ग्रुप HB और CLB, मेरे तो राइट साइड में आ रहा है अगर हम इधर से देख रहे हैं तो, करेक्ट। जब ये मेरे राइट साइड में आ रहा है और इसमें देखें डैश बॉन्ड पे कौन है, हाइड्रोजन, तो राइट साइड में जो डैश बॉन्ड पे है उसको वैसा का वैसा रख दिया और जो वेज बॉन्ड पे है वो रिमेनिंग जगह पे रख दिया, क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट आइटम पे, चलिए नेक्स्ट आइटम पे आ गए। यहां से आप देखेंगे अब ये लेफ्ट साइड हो गया है, लेफ्ट साइड हो गया तो वापस से सेम काम करेंगे, डैश बॉन्ड पे देखेंगे हाइड्रोजन है तो लेफ्ट साइड पे जो डैश बॉन्ड पे है उसको लेफ्ट साइड में पुट कर दीजिए, तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में पुट कर दिया, रिमेनिंग जगह पे कौन चला भी जाएगा, वेज बॉन्ड वाला एटम Cl, और फिर आखिरी एटम लिख लें CH3। फिर आप बोलेंगे सर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, बोलेंगे नहीं बिल्कुल अलग नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है, आप इसको थोड़ा घुमा दीजिए, प्लेन ऑफ पेपर पे आप घुमा सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप प्लेन ऑफ पेपर पे घुमा सकते हैं, घुमा के देख लीजिए, जब आप घुमाइएगा तो C2H5 ऊपर आ जाएगा, H राइट साइड चला जाएगा, Cl लेफ्ट साइड आ जाएगा, आ रहा है ये H लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये Cl राइट साइड चला जाएगा, आ रहा है आपको देता हूं, आप खुद से करें, आप खुद से एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो क्वेश्चन लिखेंगे ये नोट कर लें जल्दी से फटाफट, ये आपका क्या हो गया, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये दोनों, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है, मिटाते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन है, इस स्ट्रक्चर जो आपको वेज डैश फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है इसको आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना, तरीका आपको आता है वही तरीका फॉलो करें, आराम से क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा वेज डैश फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, मेरे हिसाब से वेज डैश फॉर्मूला भी क्लियर होगा और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर होगा। अब हम आते हैं दूसरे रिप्रेजेंटेशन पे, दूसरा रिप्रेजेंटेशन जैसे 100 हॉर्स फॉर्मूला करके आता है और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला करके आता है, वो कैसे लिखते हैं, क्या होता है उनका मतलब, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। आप पहले ही क्वेश्चन नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है 100 हॉर्स फॉर्मूला एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, 100 हॉर्स फॉर्मूला और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो क्या होता है इसमें ये थोड़ा समझते हैं।
दोनों को साइमल्टेनियसली ही डील करेंगे, 100 हॉर्स फॉर्मूला न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है, 3D सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है लाइक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आप क्या करते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसके 3 कार्बन है, आपने इसको सिंपल ऐसा दिखा दिया, कुछ इसी टाइप का दिखता है sp3 कार्बन, राइट। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, सब पे एक दूसरे से एंगल क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, कोई कंफ्यूजन? तो ये क्या है आपका 100 हर्ट्ज फॉर्मूला। मैं अभी केस समझाने के लिए 2 कार्बन मान लेता हूं, एक ये कार्बन हो गया, एक और कार्बन मान लेता हूं यहां पे, ये 2 कार्बन, इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, ई बोल दिया, एफ बोल दिया, ठीक है। तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, 100 हर्ट्ज फॉर्मूला। ये क्या है कार्बन 1, ये क्या है कार्बन 2, 2 कार्बन है, किससे किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन ए बी सी से जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन किससे किससे जुड़ा हुआ है, ई एफ और डी से जुड़ा हुआ है और पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को आप बोलते हैं 100 हर्ट्ज फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को आप न्यूमैन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? तो पहले न्यूमैन का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1 कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये आपका जो होता है sp3 कार्बन होता है और ये ग्रुप ग्रुप ग्रुप, करेक्ट। और ये जनरली जो रिप्रेजेंट करता है फ्रंट कार्बन को करता है, कैसे ये आपको थोड़ी देर में समझाते हैं। एंड अदर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज ये आपका sp3 कार्बन है, जो कि जनरली रियल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। रियल कार्बन मतलब पीछे वाला कार्बन। अब इन दोनों को साथ में डील करने का मतलब क्या है, ये आपको समझाते हैं। इसी स्ट्रक्चर से बेसिकली वो स्ट्रक्चर आता है, कैसे? तो आप क्या करें, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के लाइन पे आप एक ऑब्जर्वर रखें, राइट। आपने यहां पे क्या किया, एक ऑब्जर्वर रखा है, यहां पे रखें, आप पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन जब भी रखना है इस बॉन्ड के लाइन में रखना है, ठीक है, इस बॉन्ड के लाइन पे रखना है, यहां तक कोई दिक्कत? मान लेते हैं आपका ऑब्जर्वर यहां पर है, तो जब आप इधर से ये चीज देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? या सबसे पहले तो आपको ये कार्बन दिखेगा, कोई कंफ्यूजन? तो ये क्या फ्रंट कार्बन है, पहला कार्बन जो आपको दिखा वो यही दिखा, फ्रंट कार्बन। कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय सिंगल डॉट और एटम्स या ग्रुप जैसे जुड़े हुए हैं वैसे जोड़ देंगे। तो लेफ्ट साइड में ए जुड़ा हुआ है, ऊपर राइट साइड में बी जुड़ा हुआ है, नीचे साइड में सी जुड़ा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। अब यही ऑब्जर्वर क्या पीछे वाला कार्बन देख पाएगा? वो तो आगे वाला कार्बन देख रहा है, पीछे वाला कार्बन तो उसको दिखेगा नहीं। तो पीछे वाला कार्बन इसीलिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक सर्कल से जो कि दिख नहीं रहा है, क्लियर। तो पीछे वाला कार्बन लिख दिया आपने, अब उसके बॉन्ड दिखाने हैं, तो ऊपर की तरफ एफ है, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड डी है, नीचे की तरफ राइट साइड ई है, कोई कंफ्यूजन?
यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपका यूजर पे डिफाइन करेगा, ऑब्जर्वर पे करेगा। ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा, इधर से देखेगा तो कुछ और आएगा। इधर से अगर देखेगा तो जो पीछे वाला कार्बन है वो आगे साइड दिखेगा। खैर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अभी बस सीखें कि मतलब क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या हो गया। तो दिस इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन स्टोफर्स फॉर्मूला। क्लियर है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, ये स्टोफर्स हो गया, कोई दिक्कत किसी को भी थोड़ी सी भी। तो नेक्स्ट चीज जो हमने न्यूमैन में देखी वो और क्या देखा, इट इज रिटन अलोंग अ बॉन्ड, एक बॉन्ड के अलोंग लिखा जाता है। जैसे हम लोग यहां पर ये बॉन्ड देख रहे थे, इस बॉन्ड के अलोंग लिख रहे हैं। पहला एटम देखा उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिए, पीछे का एटम देखा उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिए। तो एक बॉन्ड के अलोंग लिखते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन है? तो ये आपका स्टोफर्स हो गया, ये आपका न्यूमैन हो गया। अब थोड़ा चीज इसको और समझते हैं, मिटा सकते हैं, वेरी गुड। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर में मैं रैंडम मानने के लिए भी बोल रहा हूं कि इस एटम को आपने फिक्स कर दिया इस ग्रुप को और इसको आपने घुमाना शुरू किया, ठीक है। घुमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी और सी, ये तो जैसा का तैसा। घूमते जब इसको इधर घुमाएंगे तो ई भी इधर घूमेगा, डी इधर घूमेगा, तो एक मोमेंट आएगा, ई यहां पर आ जाएगा, इस मोमेंट में डी यहां पर आ जाएगा, एफ यहां पर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इसको घुमाकर देखिए, एफ इधर आया, जब एफ इधर आया तो ई नीचे आया, जब ई नीचे आया तो डी यहां पर आया। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? नहीं। अब आप क्या करें, अब आपका सॉफ्टवेयर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, ये आपने 60 डिग्री से घुमाया। क्या होता है ये चीजें बाद में देखेंगे, अभी आपने क्या किया है, इसको फिक्स कर दिया है, इसको थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। चेंज करें तो आपको ये स्ट्रक्चर मिला, इस स्ट्रक्चर का आप न्यूमैन बना सकते हैं। चलिए ट्राई करिए, एक मिनट का टाइम लीजिए, ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑब्जर्वर रखा है, फ्रंट का कार्बन पे क्या दिखेगा, फ्रंट आइटम पे तो पहले तो एक कार्बन दिखेगा, लेफ्ट साइड एक ए है, एक बी है, एक सी है, नीचे की तरफ एकदम यही रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाला आइटम तो आपको दिखेगा नहीं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा सा सर्कल से। अब इस आइटम पे देखेंगे, लेफ्ट साइड वन है ऊपर में डी, उसको वैसे बना लेंगे, डी राइट साइड वन है ऊपर में एफ, उसको वैसे ही बना लेंगे एफ, नीचे साइड वन है ई, उसको वैसे ही बना लेंगे। ये लिखने का मतलब क्या हुआ, ये लिखने का मतलब है ए से डी छिप गया है, बी से एफ छिप गया है, सी से ई छिप गया है, मतलब सी के एग्जैक्टली पीछे ई आ रहा है, ए के एग्जैक्टली पीछे डी आ रहा है, बी के एग्जैक्टली पीछे एफ आ रहा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब आप इधर से देख रहे हैं तो सी के एग्जैक्टली पीछे है ई, ए के एग्जैक्टली पीछे है डी, बी के एग्जैक्टली पीछे है। आयो काफी हद तक क्लियर होगा, एटलीस्ट स्टोफर्स फॉर्मूला क्या होता है वो चीज क्लियर होगी, उसको न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करना है ये चीज क्लियर होगी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक है। अब इनका इंटर कन्वर्जन देखते हैं हम लोग फिशर प्रिडिक्शन में, मिटाया जाए।
कन्वर्जन ऑफ 100 हॉर्स एंड 2 फिशर प्रोजेक्शन। तो चलिए कोई भी रैंडम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ABCDEF करके ही, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं आपको जो बोल रहा हूं फिशर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर इसका न्यूमैन बनाते हैं तो जब न्यूमैन बनाएंगे तो आपको क्या आएगा इसका, इधर ऑब्जर्वर रख लीजिए, पहला फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन के लेफ्ट में ऊपर साइड ए है, बी है, नीचे साइड सी है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला कार्बन रैंडम सिंपल सा देखिए, ऊपर साइड डी है, लेफ्ट साइड ई है, एफ एफ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका न्यूमैन हो गया। ये आपका 100 हर्ट्ज हो गया। पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है कि आपके वर्टिकल वाले बॉन्ड पीछे साइड जाने चाहिए और हॉरिजॉन्टल वाले आगे साइड आने चाहिए। इसी चीज को हम लोग लिख देते थे ऐसे, फिशर हो जाता था, जो वर्टिकल लाइन थी वो पीछे साइड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो आगे साइड, करेक्ट। तो सबसे पहला काम हम ये समझेंगे कि इस चीज को हम लोग उस स्ट्रक्चर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कब तक नहीं कर सकते। तो ध्यान दें, हम लोग इस स्ट्रक्चर को या इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों एटम पे देखें, ये ए है, ए के पीछे ही दूसरा एटम ना आए। बात को समझेंगे, ये आपका सोहर्स फॉर्मूला है, ये आपका न्यूमैन है। मैं बोल रहा हूं इस चीज को आप लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम इस एटम, इस कार्बन को फिक्स कर दिए, अब हम इसको रोटेट करते हैं। हमने क्या किया, इस कार्बन को फिक्स कर दिया है, इस कार्बन को रोटेट कर रहे हैं कितना से, 60 डिग्री से। पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, इसको रोटेट कर दिया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए करके देखते हैं। तो इसको जब रोटेट करेंगे तो बी ऊपर आ जाएगा, ए लेफ्ट साइड नीचे, सी राइट साइड नीचे, डी तो जैसा का तैसा, ई जैसा का तैसा, एफ जैसा का तैसा। तो यहां पर आप ध्यान दें, B के एग्जैक्टली पीछे D है, A के एग्जैक्टली पीछे E है, C के एग्जैक्टली पीछे F है, ठीक है। सो दिस कैन बी कन्वर्टेड टू फिशर। पहले इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करते हैं। जब आप इसको न्यूमैन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, इधर ऑब्जर्वर है, इधर से देखें तो पहला आइटम दिखा आपको B, A, C, क्लियर। उसके बाद देखेंगे बी के पीछे क्या है, डी है, ए के पीछे क्या है, ई है, सी के पीछे क्या है, एफ है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन है आपको नहीं। अब आप इस स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हैं, अब आप इस स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हैं, आपको क्या करना है, दो बॉन्ड को पीछे की तरफ ओरिएंट करना है और दो बॉन्ड को आगे की तरफ ओरिएंट करना है, यही करना है। तो सोचें जरा, इस स्ट्रक्चर को हल्का सा उठा के रख दें,
या इस स्ट्रक्चर को ही उठा के रखें। तो अब क्या देखेंगे, मान लेते हैं इस ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप घुमा रहे, घुमा रहे तो आप क्या देखेंगे, पीछे साइड बी चला गया है, फिर एक बॉन्ड आ रहा है दूसरे कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, डी भी पीछे साइड चला गया है, करेक्ट। अब बी पे ए लेफ्ट साइड आगे की तरफ आएगा, जब इसको घुमाएंगे तो ए आपके तरफ आएगा, सी आपके तरफ आएगा, यहां पर भी देखेंगे तो ई आपके तरफ आएगा, एफ आपके तरफ आएगा, ये बन गया आपका फिशर का फॉर्म। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं? अब आप इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है भाई इसको रिप्रेजेंट करने का। क्या किया आपने, जो पीछे वाला है उसको वर्टिकल लाइन पे लिख दिया, वही हमारा मतलब है, डैश बॉन्ड मतलब पीछे साइड वाला वर्टिकल लाइन पे आता है, ए सी ई एफ आगे साइड वाला। तो ये 100 हर्ट्ज से कन्वर्ट कर दिया मैंने फ्रेशर में, न्यूमैन से देखिए, तो न्यूमैन से ये आप क्या कर रहे हैं, इस एटम को फ्रंट एटम को पकड़ के सिंपल इसको ऊपर उठा रहे हैं, फ्रंट एटम को पकड़ के सीधे इसको ऊपर उठा रहे हैं। जब आप इसको ऊपर उठा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, तो फ्रंट कार्बन है उसके पीछे साइड चला गया बी, वहां से एक बॉन्ड मिला पीछे वाले कार्बन पे, अब पीछे वाला कार्बन के पीछे साइड चला गया डी। कोई कंफ्यूजन, जब आप इस बी को ऊपर उठाकर पीछे साइड करेंगे तो ए और सी जो नीचे की तरफ है वो आगे की तरफ आएगा, तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। उसी तरह से इस वाले कार्बन में देखेंगे तो ई और एफ नीचे साइड था, जब आप इसको उठा के रखेंगे तो ई भी आगे की तरफ, एफ भी आगे की तरफ, तो ये ई हो गया, ये एफ हो गया, करेक्ट। और इसी को आप फिशर पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, सिंपल तरीका है, जो वर्टिकल लाइन है वो पीछे की तरफ होना चाहिए, तो बी हो गया, डी हो गया, कोई कंफ्यूजन, ए सी ई एफ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल से आसानी से हो जाता है, कोई कंफ्यूजन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इंटर कन्वर्जन के एक दो क्वेश्चन और आपको दे देते हैं एज होमवर्क, आप इसको ट्राई करें, इस लेक्चर को देखें एक दो बार, देखेंगे आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, आप इसको देखें एक दो बार ट्राई करें, और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस चीज का काफी इंपॉर्टेंस आएगा आगे जब हम लोग आइसोमेरिज्म को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिटेल में डील कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये पहले नोट कर लें, फिर आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये तीन स्ट्रक्चर कन्वर्ट करने हैं, यही आपका होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, ये तीनों 100 हर्ट्ज फॉर्मूले को सबसे पहला काम करना है, आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वो बहुत आसान काम है। आप क्या करें, इधर ही हर तरफ ऑब्जर्वर रख दें और उस ऑब्जर्वर के हिसाब से आप सिंपल सा पीछे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फ्रंट कार्बन को कैसे दिखाएंगे आप, सिंपल डॉट से और जो बॉन्ड बना रखे हैं। बैक कार्बन को कैसे दिखाएंगे आप, सर्कल से और जो पीछे बॉन्ड बना रखे हैं। जैसे आपको दिखेगा वैसे ही लगाना है, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर को देखू, रैंडम में स्ट्रक्चर को देखू, तो फ्रंट कार्बन पे क्या दिखेगा, ऊपर सी एस थ्री, लेफ्ट साइड बी आर, राइट साइड एच, पीछे वाले कार्बन को देखें तो CST और BR के एग्जैक्टली बीचों बीच मेरे को ये वाला BR दिखेगा यहाँ पे, तो इसको वैसे ही रख देंगे। CST और H के बीचों बीच मेरे को ये वाला H दिखेगा, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, करेक्ट? BR और H के बीचों बीच मेरे को ये वाला CST दिखेगा, तो इसको ऐसे रख देंगे। मेरे हिसाब से काफी हद तक क्लियर है आपको कि क्या करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, न्यूमैन में कन्वर्ट करना है, न्यूमैन में कन्वर्ट करने के बाद आपको फिशर में कन्वर्ट करना है, अल्टीमेटली गोल आपका होगा फिशर में कन्वर्ट करने के लिए। अब फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक दो चीजें ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूं आप कहां कहां गलती कर सकते हैं, गलती आप कहां कहां करेंगे। आपको एक चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है, फिशर का बेसिक मतलब क्या है ये चीज पता रहना चाहिए। फिशर का बेसिक मतलब है जो sp3 कार्बन है वर्टिकल वाला पीछे की तरफ जाएगा,
हॉरिजॉन्टल वाला आगे की तरफ आएगा, दिस इज योर फिशर, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। तो जो मैंने उठाने वाला आपको कंसेप्ट बताया है, मान लेते हैं आपने फिशर बना लिया ए बी सी डी ई एफ, मान लेते हैं ये बना लिया, ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर का आप बना ही लेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में ये चीज कंफर्म करेंगे कि एक एटम के पीछे दूसरा एटम होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं H के पीछे दूसरा H है, Br के पीछे दूसरा Br है, CH3 के पीछे दूसरा CH3 है। ये चीज आपको यहां पे क्लियरली दिख रही है, यहां पर नहीं है वो चीज, तो आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, तो आप एक को रोकेंगे और रोटेट कर देंगे दूसरे को, मान लेते हैं इसको फिक्स कर दिया और इसको रोटेट कर दिया, तो आप देखेंगे H एग्जैक्टली CH3 के पीछे आ जाएगा, Br एग्जैक्टली Br के पीछे आ जाएगा, CH3 एग्जैक्टली H के पीछे आ जाएगा। तो ये काम आपको खुद करना है, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे फिशन, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन को घुमा के CH3 के पीछे, ब्रोमीन को घुमा के ब्रोमीन के पीछे, CH3 को घुमा के H के पीछे, कैसे भी आप रोटेट करें लेकिन एक एटम के पीछे दूसरा एटम जाना चाहिए, क्लियर। तीसरी चीज, आपको इसको कन्वर्ट करना है फिशन में, तो आप हमेशा सोचेंगे ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड पीछे की तरफ जाने चाहिए, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड पीछे की तरफ जाने चाहिए, ये आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। तो आप जब भी इसको उठाएं हमेशा उठाकर पीछे की तरफ करें, मतलब सामने खड़ा करें, सो दैट ए बॉन्ड आप जिस तरह से भी उठा रहे हैं ए बॉन्ड पीछे की तरफ जाए। ध्यान रखेंगे ए बॉन्ड जो है, सी और ए का बॉन्ड जो है कार्बन और एक फ्रंट वाले कार्बन पे, वो पीछे की तरफ जाए, और पीछे की तरफ कैसे जाएगा, जब आप इसको सिंपल उठाकर ऊपर से खड़ा करें, राइट। तो आप हमेशा क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी फॉर्म में बनाएंगे न्यूमैन, और उसके बाद ही कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दें, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैंने कन्वर्ट किया होता इस टाइप से, C, B, A, F, D, E. इसी स्ट्रक्चर को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैंने बस घुमाने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहां पर आप देख रहे थे मैं इसको पकड़ के घुमा रहा था, अब मैं घुमाने का तरीका चेंज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं इसी को घुमा दे, कोई भी एटम आप इसको फिक्स कर लीजिए, इसको घुमा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली आप यहां पे पहुंचेंगे, सारा चेंज करके, सारा जो आप चेंज करना चाह रहे हो उसके बाद आप डेमोंस्ट्रेशन में यहां पे पहुंचेंगे। अब आपको फिर से वही क्वेश्चन सोचना है, आपको ऊपर और नीचे वाले जो भी बॉन्ड है वो बिहाइंड द प्लेन होने चाहिए। अब बिहाइंड द प्लेन कैसे हो सकते हैं, आपको खुद फिगर आउट करना है। आप इसको कैसे उठाएं, आप इसको कैसे उठाएंगे कि C और F पीछे के तरफ जाएं? तो जाहिर सी बात है, इस बार आप फ्रंट एटम को पकड़ के नहीं उठा सकते, फ्रंट एटम को पकड़ के उठाएंगे तो C आगे के तरफ आ जाएगा, F आगे के तरफ आ जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, पीछे की तरफ चाहिए। तो आप इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे आप, कि आप पीछे वाला कार्बन पकड़ के उठाएंगे, जब पीछे वाला कार्बन पकड़ के उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन तो मिलेगा और पीछे की तरफ F जा रहा होगा, जो E है, जो ये E दिख रहा है वो आगे की तरफ आएगा, राइट साइड में ही रहेगा, D है वो आगे की तरफ आएगा, फिर ये बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन से, फ्रंट वाले कार्बन से, फ्रंट वाले कार्बन में भी देखेंगे अगर तो B आगे की तरफ आएगा, A आगे की तरफ आएगा और C पीछे की तरफ जा चुका होगा। अब इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, F E D B A C, ये आपका फिशर बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन, तो अल्टीमेटली आपको थिंकिंग ऐसा ही रखना है, तो जो वर्टिकल वाले बॉन्ड हैं वो बिहाइंड द प्लेन ही होने चाहिए,
अगर ऐसा हो रहा है तो आप 110% सही हैं, आपका जो भी अप्रोच है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप गलत। करने से पहले आपको यही दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, सबसे पहला, इस फॉर्म में क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, इस फॉर्म में क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन को तभी अप्रोच करेंगे जब एक एटम के पीछे दूसरा एटम लाई कर रहा हो, एक एटम के पीछे दूसरा एटम लाई कर रहा हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क नोट कर लेंगे। तीन क्वेश्चन है आपके और एक क्वेश्चन मैंने वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने को दिया है, तो बेसिकली चार क्वेश्चन है आपके पास। आप आराम से एक दिन दो दिन का समय ले और मेरे को बताएं, मेरे को जरूर से बताएं, तभी मेरे को पता चलेगा आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और मेरे को किसने किस टॉपिक में कितना समय और कितना डिटेल में जाना है। क्लियर है? ठीक है, इसके सोल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।